हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम कैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़े उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इस टॉपिक के पहले वीडियो को देखते हैं जो कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर से डील करेगा। तो अब तक हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन ने लाइट की ड्यूअलिटी को प्रपोज किया, कैसे आइंस्टाइन ने यह कहा कि लाइट का वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर हो सकता है। तो उसी आइडिया को लुई डी ब्रोगली ने आगे बढ़ाया। क्या कि लुई डी ब्रोगली ने यह कहा कि जैसे लाइट का ड्यूअल बिहेवियर होता है, वैसे ही यूनिवर्स में जितना भी मैटर है सबका पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम को लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, ये हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव करने के लिए उसको डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए टेस्ट किया गया और ये फिनोमिना हमें पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी और इसी के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है। तो जो लुई डी ब्रोगली ने ये प्रूव किया कि हर एक मैटर का वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन देने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला को प्रपोज किया। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि किसी भी मैटर की वेवलेंथ उसके मोमेंटम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये रिलेशन इस तरीके से है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। और हमें पता है कि मोमेंटम हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका एच अपॉन एम वी हो जाता है। यहाँ पे एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा जो जिस भी मैटर की हम बात कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है और पी आपका मोमेंटम है। तो ये जो वेवलेंथ है, अगर हर एक मैटर का वेवलेंथ होता है तो इसका मतलब आपका हमारा सबका वेवलेंथ होना चाहिए। तो ये हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारा मास इतना ज्यादा है कि हमारी वेवलेंथ जो आती है वो बहुत ही छोटी आती है, इसलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब यही चीज हम इलेक्ट्रॉन के लेवल पे देखते हैं तो वहां पे क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और उनका मास बहुत ही कम है, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम ड्यूअल बिहेवियर की बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत ही छोटे लेवल पे बात करेंगे।